तो दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों राजपाल ने एक नोटिस जारी किया है, जहां पे आपको देख रहा हो ये नोटिस है। तो इस नोटिस में क्या है, आप सभी की खुशखबरी की बात है, ये सारी बातें बताऊंगा। साथ ही अब एडमिशन में किसी प्रकार की जो भी गड़बड़ियां हो रही थी, अब गड़बड़ियां नहीं होगी, क्योंकि 15 दिन के अंदर सारा आपको जो प्रॉब्लम था एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, या जो भी मेरिट में गड़बड़ी आई थी, कट ऑफ में जो गड़बड़ी आई थी, ये सारी बातों को ऑफिशियल राज्यपाल ने नोटिस जारी किया है। अब सभी पे सुधार करके आपका प्रोसेस किया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड सारी बातें बताने आ चुका हूँ, तो टाइम में लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अकाद हनाज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो ये रहा नोटिस, जहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी को जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है, सभी को प्रॉब्लम को इस नोटिस से सॉल्व हो सकती है, क्योंकि जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर अब ललित नारायण कुछ भी एक्शन लेगा, क्योंकि उनको फटकार पड़ी है राज्यपाल के द्वारा। तो इतनी क्या है नोटिस जान लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर है जो आपका ऊपर हेडलाइन देख लेते हैं, ये रहा राजपाल सचिवालय जिसके द्वारा भेजा गया है, जहाँ पे आप देखते हैं विषय क्या है। तो सीईटी बीएड 2020 मूल्यांकन तथा कॉलेज आवंटन के संबंध में जहाँ पे बताया गया है क्या कि निर्देशन अनुसार उपयुक्त विषय के संबंध में मोहम्मद इरशाद अंसारी, आलोक कुमार, शुभांकर कुमार, दुस्तियारा शुभांकर कुमार, ठीक है, श्रीमती प्रीति कुमारी, शरणवीर कुमार, फिर बात ईमेल के द्वारा प्राप्त पत्र विक्रमशः 3 से 6, यानी कि 3 तारीख से 6 तारीख के बीच इन्होंने भेजा, ठीक है। इसके नग्नों की छाया प्रति सहित संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत मामले में जांच प्रांत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृतज्ञ कार्रवाई से 15 दिन के अंदर आवेदन एवं इस सचिवालय को अवगत कराने की कृपा की जाए। दोस्तों देखते यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि 15 दिन के अंदर, यानी दोस्तों 15 दिन के अंदर, यानी कि पूरी तरह से ललित नारायण को फटकार पड़ी है राज्यपाल के द्वारा। अब पहले 15 दिन के अंदर जो भी गड़बड़ियां हो रही है, उस गड़बड़िया को सॉल्व कर आपको अच्छे तरीके से एडमिशन का प्रोसेस किया जाए। तो दोस्तों आप सभी लोग इनका साथ दें, जो दे सकते हैं यहाँ पर शुभंकर कुमार हो गए, प्रीति कुमारी हो गए, इरशाद अंसारी जी हो गए, इन सभी लोग आप सभी के साथ मिलकर कदम उठा रहे हैं। तो हो सके तो अच्छा, हो सके तो ललित नारायण कुछ सुधार करे अपना सिस्टम में, तो आपका जो भी एडमिशन का प्रोसेस है सही तरीके से किया जाए। तो बस ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि आप लोगों साथ जो गड़बड़ियाँ किया जा रही है, ये रियली में गड़बड़ किया जा रहा है आयोग के द्वारा, और ये क्यों किया जा रहा है पता नहीं, मैं इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, कुछ होगी बातें। तो यहाँ से फाइनली राज्यपाल के द्वारा नोटिस भेज दी गई है, अब किसी प्रकार कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। दोस्तों नीचे आते हैं तो देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट ने नोटिस डाला था, उनका जीमेल आईडी, जीमेल जो भी है यहाँ पे डाला गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना, अपने दोस्तों व्हाट्सएप में शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो देखने के धन्यवाद, आपको दिन शुभ हो।